नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत रोहेला न्यूज उत्तराखंड समाचार से चैनल हेड आपका अपना। आज हम यहाँ खड़े हैं रक्तकोष ब्लड बैंक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में। हमारे साथ डॉक्टर राजेश सैनी है, आइए जानते हैं उनसे ब्लड की प्रक्रिया के बारे में। सर नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड समाचार में आपका विशेष स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, कितना यहाँ कोष फिलहाल अवेलेबल है? अभी हमारे रक्तकोष में 100 यूनिट के लगभग है और सभी ब्लड ग्रुप हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी कुछ दिनों से डेंगू चल रहा है तो उसके लिए प्लेटलेट्स लगातार हमारे यहाँ से इशू हो रही हैं और अभी भी डेंगू की डिमांड प्लेटलेट्स की हमारे यहाँ आ रही हैं। तो देखा जाए तो कैंप भी लगते हैं, तो कैंप फ़िलहाल लग रहे हैं या लगने वाले हैं अभी कुछ दिनों में? 21 तारीख को हमारा कैंप है जो विधायक जी के कैंप कार्यालय पे लगाया जाएगा और उसमें 100 से विधायक माननीय श्री प्रदीप बत्रा जी के यहाँ। तो हमें दिखा देंगे थोड़ा, आप जरा अंदर चल के आइए। चलें अभी हम दिखाते हैं, डॉक्टर साहब के साथ ही हैं हम लोग, बने रहिए आप हमारे साथ। यूनिट तो हम लोगों ने उसमें रख रखी है। यूनिट अभी हम दिखा रहे हैं बाहर से, स्टोर रिकॉर्ड अपने कैमरामैन को दिखाने जाएंगे। स्टोर कम रिकॉर्ड रूम है ये, यहाँ पर सभी ब्लड रखे जाते हैं। लेकिन ब्लड का एक इस तरह का होता है कि इसमें डस्ट और जरा सा भी कोई इस तरह बाहरी हवा लग जाए तो ये ख़राब होने का खतरा रहता है। इसी बारे में डॉक्टर साहब से भी जानकारी दें। डॉक्टर साहब, क्या है ब्लड को किस तरह रखा जाता है? ब्लड को हम लोग जो RBC को रखते हैं उसको 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं और प्लाज्मा को -40 to -80 और प्लेटलेट को 2 से 8 और एजिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट जिस फ्रिज में रखी जाती है वो लगातार हिलता रहता है जिससे कि प्लेटलेट चिपके ना, और प्लेटलेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और प्लेटलेट अच्छा रहता है, फ्रेश ब्लड आए तुरंत बने और तुरंत इशू हो जाए जिससे। तो सब क्या संदेश देना चाहेंगे ब्लड के लिए आप? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल का देखते हुए जिस तरह से डेंगू फैल रहा है, आप लोग हम लोग सब मिलकर रक्तदान करें जिससे अधिक से अधिक मरीजों की हम लोग सेवा कर पाएँ। धन्यवाद। देखा आपने, इनका साफ तौर से यही कहना है कि रक्तदान एक महादान है, कि सभी लोगों को रक्त डोनेट करना चाहिए। हर 3 महीने के बाद रक्त डोनेट करना चाहिए अपने हिसाब से, अगर स्वस्थ आदमी है। मैं आपका अपना पुनीत रोहेला।